आज अब तक जो खबर आ रही है बंगाल से, आप लोगों को पूरे जानकारी है कि आज सातवीं चरण लोकसभा के चुनाव चल रही है पूरे देश पर। 58 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में जो वोटिंग हो रही है उसमें से सिर्फ 9 सीट बंगाल में हो रही है, और आखिरी चरण के 9 सीटों में बंगाल में 6 में पूरे के पूरे हिंसाजनक पोलिंग हो रही है। उसके ऊपर मीडिया से भी बहुत खबर आ रही है, हमारे कैंडिडेट्स के ऊपर अटैक, और खुलेआम टीएमसी के कार्यकर्ता ने वोटर को पोलिंग बूथ के अंदर जाने से इनकार करने वाले षड्यंत्र आप देखने को आज मिल रहे हैं मीडिया के द्वारा। हम इन सब से आपत्ति मान रहे हैं। वोटर को फ्री एंड फेयर पोलिंग करने में उधर वातावरण टीएमसी के कारण गड़बड़ सा लग रहा है। हमारे मांग ये है कि वोटर को टीएमसी धमकी देने वाले जो कार्यक्रम हो रही है उधर, उसको इलेक्शन कमीशन संज्ञान में लेना चाहिए। और ये भी हमारे ये मांग है कि आज से लेकर के, क्योंकि हमें डर है कि बंगाल के मुख्यमंत्री साहिबा ने जो पहले से धमकी देते आ रहे हैं इन चिंच का बदला लेने के विषय, जो वो बार बार बोल रहे हैं, और उनके कहने में टीएमसी के कार्यकर्ता खुलेआम बाहर आकर के लोगों को पिटाई वगैरह करते हैं, इसीलिए हमें डर है कि आज पोलिंग खत्म होने के बाद से टीएमसी का नरसंहार उधर शुरू होगा क्या। इसीलिए हम मानते हैं कि सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स उधर रहें, पूरे मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट जब तक खत्म ना हो, हमारी मांग ये बात है। और दूसरा ये भी है कि अब से लेकर के 6 बजे तक, चुनाव आज शाम खत्म होने तक, उधर शांति का माहौल बरकरार रखने के लिए सेंट्रल पुलिस फोर्स ने एक्टिव रहना चाहिए। नहीं, हम अभी ऑब्जर्वेशन सिर्फ बोल रहे हैं, शायद बंगाल के यूनिट भारतीय जनता पार्टी के उधर के आज का 4:30 बजे या 3 बजे, 3:30 बजे मिलने वाले हैं, मगर केंद्र पार्टी से हमारी टिप्पणी हम दे रहे हैं बस।